अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और ये खाने में भी उतने ही हेल्दी और डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस की ज़रूरत है। वेजिटेबल्स में हमने यूज़ किया है एक प्याज जिसे हमने स्लाइस कर लिया है, एक स्मॉल साइज की गाजर जिसे हमने चॉप कर लिया है, 4-5 बीन्स जिसे हमने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर जिसे हमने पीसेस कर लिया है, आधी शिमला मिर्च और 2 टमाटर। साथ ही में हमने लिया है 1 कप मटर, आप चाहें तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। मसालों में हमने लिया है 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 3 छोटी इलायची, 5-6 काली मिर्च, 3 लौंग, सौंफ, जीरा, अदरक, लहसुन की कलियां और मिर्ची। पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है चावल, ये 1 कटोरी है जिसको हमने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया है, देसी घी और नमक। सबसे पहले हम इन सभी मसालों को पीस लेंगे। हमें इसका पानी डाल के फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। हमने इन सभी चीज़ों का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने लिया है एक पैन। हम उसमें ऐड करेंगे घी, आप चाहें तो आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज लाइटली ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था। हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो पुलाव काला लगने लगेगा। तो अब हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। मसाले और प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर गलने तक पका लेंगे। टमाटर को ढककर धीमी आंच पर पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर गल गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्जियां, बीन्स, गाजर, गोभी और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा सा आलू और शिमला मिर्च। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पका लेंगे। सारी सब्जियों को 2 मिनट कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। अगर आप मटर पहले ऐड कर देंगे तो मटर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम इसे बाद में ऐड कर रहे हैं। अब हम मटर को भी 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। सब्जियों को कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल का हमने पानी ड्रेन कर लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चावल को सब्जियों के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लेना है, इससे चावल में सब्जियों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। सब्जियों और चावल को कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 कटोरी पानी। हमने 1.5 कटोरी चावल लिया था इसलिए हम 2.5 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिए कि नमक ठीक है या नहीं। अब हम इसे ढककर तेज आंच पर पानी खौलने तक पका लेंगे। पानी में एक उबाला आ गया है, अब हम इसे सिम आंच पर करके चावल कुक होने तक पका लेंगे। पुलाव को कुक होते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं तो अब हम देख लेते हैं पुलाव कितने ज़्यादा कलरफुल और टेस्टी बना है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी गोभी नहीं टूटी है और चावल भी एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं। तो आप भी इस हेल्दी सी वेजिटेबल रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।